कराची फैक्ट्री में बॉयलर फटने का वाकया, इमदादी ऑपरेशन आज फिर शुरू किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अफसोसनाक हादसे में इमारत की छत गिरने से 8 अफराद जान बहक, 30 जख्मी हो गए थे। धमाके से अतराफ की इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में कोरोना से अबतर सूरत हाल, 24 घंटे में मजीद 84 अफराद मौत का शिकार हो गए। जहां बहक अफराद की मजमू तादाद 9557 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 4,62,081 हो गई। PDM आज मर्दान में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। PDM रहनुमा मुख्तलिफ रास्तों से जुलूस की सूरत में रैली में शरीक होंगे। डिप्टी कमिश्नर मर्दान का PDM को जलसे की इजाजत देने से इनकार, कहा कोरोना केसेस के बायस जलसों की इजाजत नहीं दे सकते। जब तक तमाम वजारतें कारकर्दगी ना दिखाएं, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ना तजर्बाकार हैं। वजीर आजम की काबीना को हिदायत, कहा हमारी कारकर्दगी का फैसला आवाम 5 साल मुकम्मल होने पर करेंगे। 1.5 साल पावर सेक्टर के फिगर्स का पता ना चल सका। तवानाई की वजारत का सोचकर रातों को नींद नहीं आती। 18वीं तरमीम के कुछ मसाइल हल तलब हैं। पेंशन का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। वकला, सहाफियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैम्ब्रा को हटाने का मुतालबा। 7 रोज गुजर गए, आवाम को तहाल हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पैम्ब्रा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैम्ब्रा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पैम्ब्रा समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने $900 अरब का कोरोना रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। रिलीफ पैकेज मुल्क के लिए बदनामी का बायस है। ट्रंप के कांग्रेस को मशवरे, कहा कांग्रेस बिल में तरमीम करके फीकस खानदान की इमदाद $4,000 तक करे। कांग्रेस बिल से गैर जरूरी चीजें निकालकर दोबारा एक मुनासिब बिल पेश करे।